सलमान खान अपने पॉपुलर शो प्यार के सात वचन धर्मपत्नी की शूटिंग खत्म होने के बाद रिलैक्स्ड मोड में है। टैलेंटेड एक्टर करीबी दोस्तों के साथ मिनी ब्रेक के लिए थाईलैंड गए थे। सलमान खान ने अपना टाइम भी आएगा सीरियल में अपने एक्टिंग से पॉपुलैरिटी हासिल की। इसके बाद उन्हें इमली से अपने किरदार आर्यन सिंह राठौड़ के लिए पहचान मिली। जहां सलमान अपने शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वही एक्टर ने हाल ही में इमली के को एक्टर सुम्बुल तौकीर के साथ अपनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप के लिए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एज पर द रिपोर्ट, उन्होंने मीडिया और अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। वैसे तो सलमान खान यारों का यार है, जो भी उनके को एक्टर्स रहे हैं। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सलमान खान उनको सपोर्ट जरूर करते हैं और उनके कामों को भी प्रमोट करते हैं। अंजलि तत्राड़ी की वंशज से लेकर मेघारे की छलांग तक सलमान ने न केवल उनको सोशल मीडिया पर विश किया बल्कि उनके कामों को भी प्रमोट किया है। हालांकि जब उनके इमली को स्टार सुम्बुल तौकीर का नया शो काव्या एक जज्बा एक जुनून ऑन एयर हुआ तो एक्टर ने कोई पोस्ट नहीं किया। सुम्बुल और सलमान दोनों के बीच अनबन हो गई थी और तब से वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। इस पर लोगों ने सलमान से पूछा कि क्या उन्होंने सुम्बुल के शो के प्रोमो देखे हैं और क्या उन्होंने उन्हें विश किया है। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहता। जब इस बात पर जोर दिया गया तो उन्होंने कहा, ये एक टाइम के बाद डिसअपॉइंटिंग हो जाता है जब लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सुम्बुल के नाम का यूज करता हूँ। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और ये मेरा इरादा कभी रहा भी नहीं है। लगभग हर चीज जो मैं कहता हूँ उसे गलत तरीके से बताया जाता है। ये लंबे टाइम से चला आ रहा है और इसे अब रोकने की जरूरत है। हम दोनों मैच्योर हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया और उन्हें ऑल द बेस्ट विश किया उनके नए शो के लिए। मुझे सोशल मीडिया पर सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, मेरे पास हमेशा सुम्बुल के लिए गुड विशेस ही होंगी। वैसे बताया जाता है कि सलमान और सुम्बुल की दोस्ती में दरार तब आई जब सुम्बुल को बिग बॉस 16 के घर से बाहर कर दिया गया। यही नहीं बल्कि सुम्बुल सलमान और उनके दोस्त ताबिश के साथ एक सॉन्ग भी करने वाली थी जिससे कि वो बाद में बैकआउट कर गई थी। हालांकि सुम्बुल ने इस विवाद के बारे में ज्यादा बात नहीं की और कहा कि वो सलमान को हमेशा बेस्ट विशेस ही देंगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी टीवी और बॉलीवुड की खबरों के अपडेट के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।